अकायद की तालीम, ईमानियात का मुजाकिरा, अल्लाह के मारिफत, नबी की अजमत और उसके उनके हुकूक का तस्किरा कि नबी के हम पे क्या क्या हुकूक हैं, ये घर में करो और इसके लिए मकातिब भी कायम करो ताकि उलमा हुफाज मकातिब कायम करें, ताकि घर वाले नहीं कर रहे हों तो कम से कम हम नायब नबी होने की हैसियत से इसका कुछ हिस्सा तो अदा कर दें, अपना हक तो अदा कर दें, हमारी जिम्मेदारी तो है। घर वाले बच्चों को मुलहिद बना रहे हैं, जिंदीक बना रहे हैं, तो खैर घर वाले तो जवाब देंगे ही, महल्ले के पेश इमाम साहब भी तो जवाब देंगे। तो इसलिए मकातिब का क़याम कीजिए, मुनज़्ज़म मकातिब, हमारे 2000 के वास्ते नहीं, मिले न मिले लेकिन मेरे ज़रिए से महल्ले के 10, 20, 25, 50 बच्चे जहन्नम की आग से बच जाए। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने अहल में अपने ख़ानदान वाले दाखिल हैं, अपने अहल में अपने तहत काम करने वाले दाखिल हैं, अपने अहल में अपने अड़ोस पड़ोस जिनसे हमारे साझे हैं, मोहब्बत हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, ये सब दाखिल हैं, आप इनकी फ़िक्र कीजिए। इसलिए ये बात की बार बार तवज्जो दिलाई जा रही है, बिलखसूस आने वाले दिनों के लिए अभी से मुसलमानों को बहुत सख्त तैयारी करने की ज़रूरत है, इसलिए कि आने वाले दिनों में किसी एक स्टेट में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक नया निज़ाम तालीम आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है। आने की पूरी तैयारियां हैं, हो चुकी हैं और वो सब कुछ पास है, मंजूर है, कानून बन चुका है, नाप नफाज की तैयारियां हो रही हैं, सिलेबस प्रिंट हो रहा है, सब हो रहा है। उसे हो सकता है कि इस साल को तो ऐसे ही ज़ाया कर दिया है और वो चाह भी रहे यही रहे होंगे कि ये साल इसी तरीके से निकल जाए और नया तालीमी साल नए इंतज़ामात के साथ और नए निसाब के साथ और नए निज़ाम मुजव्वज़ा निज़ाम के साथ वो शुरू किया जा सके। तो इसकी तैयारियां मुकम्मल हैं। गालिब गुमान ये है कि इस आने वाले तालीमी साल से उस निज़ाम को नाफिस कर दिया जाएगा, या हो सकता है आगे पीछे हो जाए तो एक आध साल और लगेगा, बस उसके बाद वो निज़ाम नाफिस हो जाएगा। उस निज़ाम में कोई, कहते हैं माहिरीन, के तालीमी ख़राबी नहीं है, निसाब अच्छा है, निज़ाम अच्छा है, तरतीब अच्छी है और बच्चों के पढ़ने में जो सहूलतें दी गई हैं वो सहूलतें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता बनाने में मददगार हैं, मुआविन हैं, बहुत खूबियाँ लोगों ने उसमें देखी हैं और बहुत खूबियों का लोग ज़िक्र करते हैं, जो माहिरीन हैं दुनिया भर के निज़ामों के माहिरीन हैं वो भी उसकी तारीफ़ करते हैं। तो ये कोई गया गुजरा नहीं है, उस निसाब से वो ख़तरा नहीं है, उस निसाब में जो रूह शामिल की गई है वो रूह तौहीद के ख़िलाफ़ है और किसी मज़हब वाले को कोई ख़तरा नहीं है, सब के लिए वो बेहतरीन अच्छी चीज़ आ रही है। सिर्फ़ मुसलमान के लिए यह ख़तरा है कि उनके बच्चों के अंदर से तौहीद की स्पिरिट ख़त्म हो जाएगी, इसका ख़तरा सिर्फ मुसलमान को है और किसी को नहीं। तौहीद इसलिए कि पूरा का पूरा निज़ाम वो बनाया गया है शिर्क की बुनियादों पर और उसका नाम हिंदुइज़्म या हिंदू कल्चर नहीं रखा गया है, क्योंकि पता है कि इससे कोई कबूल नहीं करेगा, इसलिए उसका नाम रखा गया है भारतीय कल्चर। ये भारत का कल्चर है, आप भारतीय अपने को कहते हो तो मानना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के कल्चर में ढलना पड़ेगा, आपके बच्चों को ढलाना पड़ेगा इसमें, ये चीज़ उन्होंने लाई। और इसी वजह से कोई कौम मुतफक्किर नहीं है सिवाय मुसलमानों, और मुसलमानों का भी जदीद तालीम याफ्ता तबका मुतफक्किर नहीं है, इसलिए कि उसने इस पॉलिसी का जायज़ा लिया है तालीम के मेयार की हैसियत से, तो उनको खूबियाँ ही खूबियाँ दिखाई दी, इसलिए वो भी मुखालिफ नहीं, वो मुसलमान भी मुखालिफ नहीं। अब सिर्फ वही मुखालिफ हैं जिन तालीम याफ्ता लोगों को मज़हब की भी अहमियत का पता है, अकीदे की अहमियत का पता है, हमारे ऐसे स्कॉलर्स और जदीद तालीम याफ्ता लोग, उन लोगों को फ़िक्र हो गई है और उन्हीं के समझाने से हम उलमा ने समझा है
कि इसमें यह ख़तरा है और यह ख़तरा बहुत बड़ा ख़तरा है, मामूली ख़तरा नहीं। अब आप देख रहे हैं ये हुकूमत जो बिल पास करती है कदम पीछे अब तक तो नहीं हटाई है, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी वो नहीं हटाएगी। ये बहुत सोच समझकर मंसूबा बंद तरीके पर वो आए हैं सामने, ये कदम पीछे नहीं हटाएंगे। घुटने टिकवा रहे हैं किसानों के और अब उनमें फूट डाली जा रही है। अब उनमें से कुछ लोग हुकूमत की तरफ होना शुरू हो चुके हैं, वो खुद ही टूट जाएगी तहरीक, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। जिस कुव्वत से वो उठे थे, तूफान बन के उठे थे, आंधी बन के उठे थे, उस तूफान आंधी को वहीं ख़त्म करने का सामान उन्होंने कर लिया है। वो पहले से रेडी हैं हर चीज़ के वास्ते, वो हमारी तरह गाफिल नहीं बैठे हुए हैं, वो पहले से तैयार बैठे हुए हैं, तैयारी करके बैठे हुए हैं वो। तो इस वजह से अब हमारा ये कहना कि हम मुसलमान नहीं मानेंगे, हम मुसलमान ये तालीमी पॉलिसी नहीं कबूल करेंगे, तो वो बोलेंगे कि दूसरे मानों में तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम हम भारती नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, ये कहना चाह रहे हो, तो ये तोहमत हम पर लगा दी जाएगी और हमारे लिए रास्ता और मुश्किल कर दिया जाएगा। इसलिए अब मुस्लिम बच्चे बच्चे वही पढ़ेंगे और वही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना होगा और वही सरकारी स्कूलों में पढ़ाना होगा, आपके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। क्या किया जाए? क्या ईमान का सौदा कर लेंगे? क्या तौहीद से हाथ धो लेंगे? क्या 25 करोड़ मुसलमानों के कम से कम 15 करोड़ बच्चों को जहन्नम की तरफ जाने के लिए दे देंगे? क्या करेंगे? नहीं मानेंगे, मुमकिन नहीं है। तब्दीली चाहेंगे, मुमकिन नहीं है, तो होगा क्या? इसके लिए वाहिद रास्ता अगर अब बाकी रह गया है तौहीद, रिसालत, अकीदा, ईमान की सलामती का, तो सिर्फ एक है, एक है, एक है, और वो है मकातिब का सिस्टम, और कोई रास्ता नहीं। मकतब मजबूत कीजिए, मकतब चल। अब सूरत हाल ये है कि मदरसा खोलना ज़रूरी नहीं है, मकतब खोलना ज़रूरी है। मदरसे की तालीम फ़र्ज़ किफ़ाया है और मकतब की तालीम फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन की तरफ तवज्जो दीजिए। हंगामी औकात में सबको बसा औकात अपना काम छोड़ के भी दूसरा काम करना पड़ता है। कितने नाज़िम खाली बैठे हुए हैं, क्यों नहीं मकातिब कायम होते? और कितने लोग उलमा बेकार हैं, क्यों नहीं मकतब कायम होते? 8 महीने हमको मिले, 8 महीनों में हम कौम के बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे सकते थे अगर हम मकतब की मेहनत कर लिए होते इसके ऊपर। तो नहीं, हमने नहीं किया। याद रखिए मेरे दोस्तों, आपसे और आपके हवाले से, आपके इलाके के तमाम उलमा से, हुफ्फाज से, मुअज्जिनीन से, अइम्मा से दर्दमंदाना अपील है कि आप ये बात हर एक तक पहुँचा दीजिए कि अगर ये मकतब का सिलसिला बेहतर, मुनज्जम, मुखलसाना और नबी की मोहब्बत को अपने दिल में लेकर, नबी की उम्मत की मोहब्बत को बचाने के लिए आप नहीं करेंगे, तो अल्लाह के नबी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे कयामत में। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अब दूसरे काम कम किए जा सकते हैं, दूसरे कामों की ज़्यादा फिक्र अब ना करें तो चलेगा। अब इसकी फिक्र हो कि मिल्लत की नई नस्ल का ईमान हम मकतब से बचाकर स्कूल भेजें, अगर ये मोमिन बनकर नहीं जाएंगे तो मुशरिक बन के वापस आएंगे। ये सूरत हाल वहाँ पर हो चुकी है, उसका इंतज़ार है। अब उसका कोई टकराव नहीं है, टकराव कर भी नहीं सकते, मुकाबला नहीं हो सकता इसका। इसलिए जो अपने हाथ में है करने का इरादा कर लीजिए, चाहे वो आलिम भी ना हो, चाहे वो हाफिज भी ना हो, मगर आपकी गली में मकतब चलता है या नहीं चलता है, आपकी गली के कुल बच्चे मकतब को जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आप चाहे हाफिज ना हो, आलिम ना हो, लेकिन अपनी गली की फिक्र कीजिए, अपनी गली के हद तक फिक्र कर ली, मेरी गली के बच्चे मकतब जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इसकी फिक्र कीजिए। वरना ये तूफान है, तूफान है, और बहुत बहुत ख़तरनाक तूफान है। और वो आए, सुनामी आई थी होगी तो आकर के कुछ लोगों को हलाक करके गई होगी, जो ईमान पे मरे जन्नत में गए और जो बेईमान में गए अपने अंजाम को गए, इतना ही तो हुआ। ये तूफान, ये सैलाब, ये मौजें हमारी ज़िंदगी ले सकती हैं, हमारी जान ले सकती हैं, लेकिन ये जो तूफान, जो सैलाब आ रहा है और मजबूत मौज
खतरनाक मौज की शक्ल में आ रहा है, ये हमारे बच्चों का ईमान लेने वाला है।